नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा विधायक आजम खान की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। सपा विधायक आजम खान की लखनऊ में हुई पेशी। आजम खान पर नहीं हो पाए आज आरोप तय। लखनऊ कोर्ट से सीतापुर जेल रवाना हुए आजम खान। मामले में आजम खान को हाई कोर्ट से मिल चुकी जमानत। सपा की सरकार के दौरान जल निगम में हुई भर्ती। जल निगम की 1300 भर्ती में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। 2017 में आजम खान पर दर्ज हुई थी एफआईआर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान से जुड़ा मामला। आजम खान की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। सपा विधायक आजम खान की लखनऊ में हुई पेशी। आजम खान पर नहीं हो पाए आज आरोप तय। लखनऊ कोर्ट से सीतापुर जेल रवाना हुए आजम खान। मामले में आजम खान को हाई कोर्ट से मिल चुकी जमानत। सपा की सरकार के दौरान जल निगम में हुई भर्ती का मामला। जल निगम की 1300 भर्ती में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। 2017 में आजम खान पर दर्ज हुई थी एफआईआर। 2017 के मामले से जुड़ा हुआ है आजम खान का ये मामला। 2017 में जल निगम की भर्ती में गड़बड़ी का मामला है, जिसमें आजम खान सजा भुगत रहे हैं और आज सीबीआई कोर्ट में, लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। और इस तस्वीरों में देख सकते हैं आप, आजम खान जब आज सीबीआई कोर्ट पहुंचे और पेशी हुई उनकी, उसके बाद सपा विधायक को सीतापुर वापस ले जाया गया है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से वो जेल में है। अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम खान। आज लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेशी की गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है जब वो सीबीआई कोर्ट पहुंचे हैं, सपा विधायक आजम खान की लखनऊ कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के दौरान उनके ऊपर आरोप तय नहीं हो पाए हैं। 2017 का ये मामला बताया जा रहा है, जब उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था सपा सरकार में जल निगम भर्ती में। कुल 1300 भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद आजम खान पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली। आपको बता दें कई मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मामले ऐसे जिसकी वजह से वो जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि आज पेशी के लिए, लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लखनऊ लाया गया, लेकिन अब पेशी के बाद जब उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुए, उसके बाद फिर उन्हें सीतापुर ले जाया गया है। सीतापुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, रवाना होते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार कई मामले सामने आए जिसमें उन्हें राहत मिली है, लेकिन आज भी आरोप तय नहीं हो पाया। लखनऊ लाया गया, उसके बाद जब आरोप तय नहीं हुआ, उन्हें फिर वापस सीतापुर ले जाया गया है। क्या है पूरा अपडेट? शिखा, आपको बता दें कि इस वक्त मैं सीबीआई के स्पेशल कोर्ट मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रही होंगी कि यहाँ आजम खान जा चुके हैं और जो कोर्ट की सुनवाई थी वो आगे टाल दी गई है। आपको बताएं कि आज आजम खान के जो पक्ष के वकील थे कलीम, उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई और आजम खान, आपको बताएं कि कुछ कागजों की कमी की वजह से आगे की जो कार्रवाई है वो अभी सुनिश्चित नहीं की है कब होगी, मगर आपको बताया कि आज आजम खान की पेशी के दौरान जो आरोप था वो तय नहीं हो पाया है और आने वाले दिनों में फिर जो कोर्ट है वो समय सुनिश्चित करके और आजम खान को फिर से सीतापुर जेल से यहाँ बुलाया जाएगा। आपको बताया कि जल भर्ती बोर्ड के जो नियुक्ति थी, इसमें लगभग 1348 रिक्त पदों पे भर्ती की गई थी, उसमें घोटाले के आरोप में और नियुक्ति में घोटाले के आरोप में आज आजम खान को यहाँ पेशी की गई थी। तो आपको बताया कि जो कोर्ट के दलील दिए गए, तमाम दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद जो, और आजम खान का जो दस्तावेज था, उसमें दस्तावेज में ऐसे कई सारे पेपर मौजूद नहीं थे जिसको लेकर आगे अब इस कार्रवाई को आज खत्म करके और आगे इसको स्थान किया गया है कि आगे कार्रवाई होगी। वहीं आपको बताएं कि आजम खान की तरफ से एक दलील दी गई है, एक गुजारिश कही है कोर्ट से,
कि आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगे की कार्रवाई में जोड़ें, क्योंकि आजम खान ने अपने स्वास्थ्य की दलील देते हुए कहा है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। आगे की प्रक्रिया में वो गुजारिश किए हैं कोर्ट से कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित किया जाए। वहीं आपको बताएं कि आजम खान की तरफ से तमाम दलीलों को देने के बाद माना ये जा रहा था कि आज सुनवाई हो जाएगी, मगर जो दस्तावेज थे वो पूरे नहीं थे, जिसको लेकर अब ये जो प्रक्रिया है ये आगे डेट डाली जाएगी और आने वाले दिनों में इसकी जो फिर डेट होगी उसमें सुनवाई होगी। जी जी विभांशु, और भी उन मामलों के बारे में जानकारी चाहेंगे जिनको लेकर अभी भी आजम खान जेल में ही रहेंगे। जी बेशक, आपको बताया कि लगभग उनके ऊपर 89 मामले दर्ज हैं, जिसमें से लगभग 85 से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं अगर देखें तो जो जल बोर्ड घोटाला था उसमें आजम खान समेत जो उस समय के अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो इसमें सम्मिलित थे, उनको भी अभियुक्त के तौर पर बनाया गया है और उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया, मगर जो दस्तावेज थे वो पूरे नहीं मिल पाए। दस्तावेजों की कमी को देखते हुए कोर्ट ने आगे की डेट रखी है और डेट की अभी सुनवाई नहीं की है कि डेट कब होगी, उसकी घोषणा नहीं की है और आने वाले दिनों में फिर कोर्ट में आजम खान को पेश होना पड़ेगा और पूरे जो दस्तावेज की कमी थी उसको दस्तावेज को जुटाकर और कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि पूरे दस्तावेज के साथ फिर प्रस्तुत किया जाए। और वहीं वकीलों का ये कहना है कि हम अगले जो कार्रवाई होगी इस मामले में उसमें तमाम अपने दस्तावेज लेके मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि इस मामले में आप जहां देख सकती हैं कि तमाम राजनीतिक दल आजम खान के पक्ष में हैं, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी विगत दिनों इन बातों को कहते हुए नजर आए कि आजम खान निर्दोष है, उनको न्याय दिलाने के समाजवादी पार्टी खड़ी। आपको बताएं कि 2017 में जल बोर्ड की इस जो घोटाले है उसमें SIT गठित करके और पूरी सरकार की तरफ से उनके कोर्ट में उनका FIR SIT की जांच के बाद उनके ऊपर FIR हुई थी और सरकार के पक्ष के वकील जो थे वो आज पूरी अपनी दलील दी और आजम खान के जो वकील थे कलीम, उनकी तरफ से भी और उनकी टीम के तरफ से भी दलील दिए गए। और आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले का क्या नतीजा निकल के आता है, वो समय बताएगा। मगर आप देख सकती हैं कि आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अव्वल दर्जे का नेता के तौर पे उन्हें गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो प्रदेश भर के जो लोग हैं उनकी निगाहें आजम खान के इस केस पे थी और जो भी केस है उस पे थी। तो आजम खान, अब देखने वाली बात ये होगी कि जब अगली डेट आती है तो आजम खान को क्या फैसला सुनाया जाता है। जी विभांशु, अगर बात करी जाए आजम खान के लखनऊ आने की, तो क्या उनके समर्थक भी आज लखनऊ पहुंचे? कैसा नजारा रहा जब वो CBI पहुंचे हैं? जी आपको बताया कि कोर्ट परिसर के अंदर में माना जो मीडिया होती है वो उसको बाहर खड़ा किया जाता है और मीडिया के लोग अंदर जाकर जानकारियां इकट्ठा कर पाते हैं, तो ऐसा ही प्राइम टीवी ने भी किया। तो आपको बताया कि यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर किसी तरह के कार्यकर्ता या किसी पार्टी के नेता की मौजूदगी नहीं थी, जैसा कि प्राइम टीवी ने ग्राउंड पर देखा। और वहीं आपको बताएं कि आज माना ये जा रहा है कि आज शाम अगली सुनवाई की जो डेट होगी वो आज शाम तय होगी और जो आजम खान की तरफ से दलील दी गई है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसको लेकर उनकी तरफ से दलील दी गई है कि अगली जो सुनवाई हो उसमें उनकी तरफ से कोर्ट को गुजारिश की गई है और जो न्यायाधीश हैं उनको भी कहा गया है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें कोर्ट के जो कोर्ट का जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी मामले चल रहे हैं उसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आए। तब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट क्या आदेश देता है कि आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित होना होगा या उन्हें स्वयं फिर से एक बार सीतापुर जेल से लखनऊ के इस स्पेशल CBI कोर्ट में दाखिल होना होगा, अभी आने वाला समय बताएगा। वहीं अगर देख प्रदेश भर की निगाहें इस मामले पे नजर बनाई हुई है कि क्या फैसला आता है, वहीं अगर देखें तो आजम खान के तमाम जो मामले थे उसमें से लगभग 85 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं अब ये जो भर्ती जल बोर्ड भर्ती घोटाले का मामला है उसमें क्या सुनवाई निकल के आता है आने वाले दिनों में सामने होगा। वहीं अगर देखें तो इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो एकजुट आजम खान के पक्ष में नजर आ रही है। तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे बात की जाए आम आदमी पार्टी की, चाहे बात की जाए बसपा की, चाहे बात की जाए कांग्रेस की, सभी पार्टी आजम खान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर है।
और वहीं आप देखें तो आज मायावती की तरफ से पेशकश की गई है कि आजम खान निर्दोष हैं और बसपा उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं देखें तो सभी जो विपक्षी दल हैं वो आजम खान के साथ है। वहीं सरकार के तरफ से जो दलील दी गई है उसमें कहा यह गया है कि तमाम जो घोटाले थे उसके रिपोर्ट दिए गए, मगर आजम खान की जो फाइल थी उसमें दस्तावेजों की कमी को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और आजम खान की रिहाई चाह रहा है। अगली जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। और आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई के लिए सभी कोशिशें कर रहे हैं और अधिकतर मामलों में उन्हें जमानत भी मिल गई है। और आज जो 2017 में दर्ज हुआ मामला था जल निगम से जुड़ा, उस मामले को लेकर आज लखनऊ के CBI कोर्ट में आजम खान की पेशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामले पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अगली तारीख दी जाएगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट का रुख सख्त, जस्टिस DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा। जस्टिस DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा, हाई कोर्ट ने कहा। BIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करे, जस्टिस उपाध्याय ने कहा। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, कोर्ट ने फटकारा। यूनिवर्सिटी जाओ PhD करो तब कोर्ट आना, कोर्ट ने कहा। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा। ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट का रुख सख्त, जस्टिस DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा। जस्टिस DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा। BIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करे, जस्टिस उपाध्याय ने कहा। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, कोर्ट ने कहा। यूनिवर्सिटी जाओ PhD करो तब कोर्ट आना, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, जस्टिस ने कहा। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।